हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज हम अकाउंटिंग के लिमिटेशंस को पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का एक टॉपिक है और ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, चलिए फिर अकाउंटिंग की लिमिटेशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब हम सिर्फ अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, जो कि पैसों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हुई इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। इसको पढ़ते हैं। अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको आप मनी के टर्म में लिख सकते हो, सिर्फ आप उन्हीं इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करोगे। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम नोट डाउन नहीं करेंगे? जो क्वालिटेटिव टर्म में होगी और जो क्वांटिटेटिव टर्म में होगी हम उसे नोट डाउन करेंगे। तो क्वालिटेटिव कौन कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड, इनको इग्नोर्ड किया जाता है। जैसे कि सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर। अब फर्म ने इतना अच्छा काम करा, उससे क्या हुआ, उसके प्रोडक्ट से कस्टमर जो है फर्म्स के वो सेटिस्फाई हुए, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, जिसको हम एज अ नोट डाउन नहीं करते। नंबर ऑफ ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़, आपके फर्म में कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये सब चीज़ें को नोट डाउन नहीं किया जाता। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई स्कूटी ली, ठीक है, आपने वो स्कूटी 2020 में परचेज़ की, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो थी 70,000 की। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है उसकी वैल्यू में कमी आना। अगले साल उसकी वैल्यू 70,000 तो रहेगी नहीं, कुछ कम हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000, फिर नेक्स्ट ईयर 50,000 रह गई। तो ऐसे करके हमने दो साल बाद देखा कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50,000, दो साल बाद, मतलब 2022 में। बट अगर हम देखें तो वो 2020 में कितनी थी, 70,000 की। तो जो 2020 की जो कॉस्ट होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब एक्चुअल जो सबसे पहले कॉस्ट थी वो क्या थी। तो अकाउंट्स को जो प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे किया जाता है। अब एट प्रेजेंट तो उसकी वैल्यू 50,000 है, बट नहीं, हम उसको किस वैल्यू पे लिख रहे हैं, 70,000, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। एंड सच द फिगर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। और ये सब जो चीज़ें होती हैं हम इनको ऐसे नोट डाउन करते हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो हम उसके प्राइस जो चेंज हुआ है उसको शो नहीं करते। ठीक है, तो एक ये लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड। देखो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंट्स को, जो उसमें चीज़ें होती हैं उनको करने की। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन का ही हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन में आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा, WDV मेथड हो जाएगा। तो जब आप दोनों मेथड से कैलकुलेट करोगे तो हर मेथड से अलग अलग अमाउंट निकल करके आएगी। तो देयर एग्जिस्ट इन एप्लीकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव मैथड इन डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूशन ऑफ स्टॉक। तो अलग अलग मैथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने पे, स्टॉक का वैल्यूशन करने पे। इन्फॉर्मेशन इज मिसलीडिंग। अब आप अलग अलग मैथड्स को यूज़ करोगे तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इफ़ एन ऑल्टरनेटिव मैथड इज़ यूज टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक से ही लोन लेना है या फिर कुछ भी काम है, तो आपने कुछ और मैथड यूज़ करके अपने अकाउंट्स कुछ और शो करके दिखा दिए कि नुकसान हो रहा था, बट दिखा दिया कि हाँ फ़ायदा हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, नुकसान तो इन द सेंस नहीं, पर हाँ कुछ और फिगर आ रही होगी, बट आप मेथड दूसरा यूज़ कर लोगे तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होते। अब कैसे? देयर आर सम ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स को हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं जो कि किसके बेसिस पर होते हैं, एस्टिमेशन के बेसिस पर। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दे रखा है, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आप एस्टिमेट लगा लो कि ये एसेट जो है इसकी एस्टिमेट लाइफ ये है, मतलब ये इतने टाइम तक चल सकता है। जैसे कि मैंने आपको वो स्कूटी की बताई थी, किसी ना किसी टाइम जा करके तो वो ख़राब हो जाएगी, फिर उसको हमको सोल्ड आउट करना ही पड़ेगा। तो उसकी एस्टिमेशन लाइफ थी कितनी, 5 साल चली, 6 साल चली, वो चीज़। तो अब वो एग्जैक्टली तो लाइफ नहीं पता ना हमें कितने साल चलेगी। अब ऐसी
प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स. डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? जैसे आपके डेटर होते हैं. डेटर कौन होते हैं? डेटर जिनको आप उधार पे सामान बेचते हो, फिर वो आपको पैसे पेमेंट करते हैं. तो कुछ, अब हर कोई तो इतना अच्छा नहीं होता ना पैसे दे दे, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम डाउटफुल में रखते हैं कि ये पैसे दे भी सकता है नहीं भी दे सकता. अब वो कितना पैसा दे सकता है कितना नहीं दे सकता है, तो ये भी एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं पता. तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी कि अकाउंटिंग जो होती है वो फुली एग्जैक्ट नहीं होती. लास्ट वन इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. अब विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेट करना. मैनिपुलेट करना मतलब अपनी साइड से कुछ एंट्रीज ऐड कर देना, ठीक है. अब ये सब कब ऐड करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको बैंक से लोन लेना है, आप नुकसान में हो, आपको दिखाना नहीं हमारा तो अच्छा खासा फ़ायदा चल रहा है, जब फ़ायदा होगा तभी तो बैंक आपको लोन देगी. तो आप उसमें से कुछ एंट्रीज अपने आप से ऐड कर देते हो अपने अकाउंट्स को शो करने के लिए. अच्छा, तो वो चीज़, ठीक है. तो विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को ताकि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज करे फेवरेबल पोजिशन, मतलब आपके फेवर में अच्छी पोजीशन शो करे देन द एक्चुअल पोजीशन. एक्चुअल में आप नुकसान में हो बट वो कुछ एंट्रीज करके आपके फेवर में कर रहा है कि नहीं आप तो फ़ायदे में चल रहे हो. तो ये कुछ लिमिटेशंस थी. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आप और भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, मैं वैसे क्लास 11th की पूरे अकाउंट्स करवाऊँगी. अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है, इसमें एक टॉपिक और रिमेनिंग है, उसको करके हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.